अस्सलाम वालेकुम। मैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, वो ये कि क्या दांतों की रूट कनाल कराने से आईसाइट वीक हो जाती है, यानी कि क्या रूट कनाल कराएं तो उससे उससे हमारी आंखों की जो बिनाई है उस पर असर पड़ता है या नहीं, आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। और मैं हूँ आपका अपना फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफे और आप देख रहे हैं साइड इफेक्ट चैनल। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो बहुत से लोग जो हैं उनमें कन्फ्यूजन ये हो होती है कि पता नहीं रूट कनाल से शायद आईसाइड हमारी वीक ना हो जाए, और ना वो इससे डर जाते हैं और अपनी रूट कनाल नहीं करवाते, जिसकी वजह से उनकी जो दांतों की कंडीशन है वो मज़ीद ख़राब हो जाती है और रूट कनाल से आईसाइड जो है वो नहीं वीक होती। क्योंकि हमारी जो नर्व्स वगैरह होती हैं वो टोटली अलग होती हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझाऊँ, वो हम इसको जान लेते हैं क्यों। क्योंकि हमारे जो यहाँ से नर्वस सिस्टम होते हैं उधर से डिफरेंट किस्म की नर्व्स निकल रही होती हैं, तो जो नर्व्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, बॉडी के लिए अलग हैं, स्किन के लिए अलग हैं, और हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनके लिए अलग है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आर्म की है तो वो अलग है। तो जब इसी तरह हमारी जो आइज हैं और जो हमारे जॉज हैं इनकी भी अलग नर्व्स हैं। आइज की वो डायरेक्ट ब्रेन से कनेक्ट हो रही हैं और जो जॉ है उसमें ब्रांच हो रही है, जो कि दो हो रही हैं, एक अपर जॉ की है और एक लोअर जॉ की। यानी कि आप देखें कि हमारे जो जॉ में जो जा रही है नर्व्स वो भी अलग है, अपर जॉ की अलग है, लोअर जॉ की अलग है। ठीक है, तो इसलिए आपने देखा होगा कि कभी अपर जॉ जो है अगर सुन्न हो जाता है तो लोअर जॉ में इतना फील नहीं होता। वो क्यों नहीं हो रहा होता? क्योंकि अपर जॉ की अलग नर्व जा रही है और लोअर जॉ की अलग नर्व जा रही है, और आइज की तो ऊपर है, तो उसका तो इससे और इसका लेना देना ही नहीं है। तो इससे आपको ये समझ में आता है कि रूट कनाल से आईसाइट नहीं वीक होती, वो और कोई फैक्टर होते होंगे जिसकी वजह से वीक हो जाती होगी, इससे नहीं होती। तो ये एक मिथ है और एक छोटी सी कन्फ्यूजन फैली हुई है और फॉल्स इन्फॉर्मेशन है कि रूट कनाल से जो है वो आईसाइट वीक हो जाती। तो रूट कनाल से आईसाइट नहीं वीक होती। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा और आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता था तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सा ऐसा कंटेंट डालता रहूँगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।